यमुनानगर के रंजीतपुर एरिया में बट्टू वाला गांव के पास देर रात मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने दस्तक दी। टीम को अवैध खनन की सूचना मिली थी। सीएम फ्लाइंग ने पुलिस और माइनिंग विभाग को साथ लेकर वहां छापेमारी की और मौके से अवैध खनन करते हुए 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को काबू कर पुलिस के हवाले किया और इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में बड़े स्तर पर खनन का काम होता है, लेकिन इसी बीच वैध खनन की आड़ में अवैध खनन का धंधा भी यहां किसी से छिपा नहीं है। हालांकि प्रशासन काफी समय से अवैध खनन पर लगाम कसने की लाखों कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को रंजीतपुर चौकी एरिया में बट्टू वाला गांव के पास अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके चलते देर रात सीएम फ्लाइंग की टीम ने वहां छापेमारी की। इस दौरान मौके पर अवैध खनन होता मिला। जानकारी के मुताबिक यहां पर पकड़े गए वाहनों पर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। रंजीतपुर चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम फ्लाइंग की तरफ से उन्हें सूचित किया गया था, जिसके चलते वे मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल उन्होंने सभी वाहनों को सीज करने के निर्देश दिए हैं और खनन विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बात करें तो हाल ही में रंजीतपुर चौकी के अंतर्गत पड़ने वाली नगली माइनिंग जोन में RR स्टोन क्रैशर पर सीएम फ्लाइंग की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली थी। उस कार्रवाई को अभी महीना भर भी नहीं बीता कि सीएम फ्लाइंग ने एक बार फिर इसी एरिया में दस्तक देकर खनन माफिया पर लगाम कसने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इन कार्रवाइयों के बाद क्या खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज आता है या नहीं। रात को सीएम फ्लाइंग के द्वारा बट्टूवाड़ा एरिया में रेड की गई और हमारे को भी साथ लिया गया। उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट को बुलाया गया और 5 डंपर 1 जेसीबी को अवैध माइनिंग में सीज किया गया और उसके बाद जैसी भी कार्रवाई माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश होगा, जो पत्र मिलेगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब फिलहाल गाड़ियों को सीज कर दिया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्राय की रिपोर्ट।